मॉर्निंग, वेलकम टू SBICC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको लेंस मेकर फार्मूले पर आधारित प्रश्नों को बताया था और संपर्क में रखे दो लेंसों के फोकस दूरी पर आधारित प्रश्नों को बताया था। और आज हम इस वीडियो में आपको गोली प्रश्न पर अपवर्तन पर आधारित प्रश्न बताएंगे। आप जानते हैं कि गोली प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल प्रश्न और एक अवतल प्रश्न। तो चाहे उत्तल प्रश्न हो या अवतल प्रश्न हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला प्राप्त होता है, n/b-1/u = n-1/r। जहां आप जानते हैं कि n अपवर्तनांक, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और r वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस फार्मूले पर दो प्रकार के प्रश्न प्राप्त होते हैं, आधारित हैं। नंबर एक जो आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, नंबर दो जो स्टैक का बोर्ड में लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, 0.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक निशान 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले की सतह पर बना है। इसको व्यास के अनुदिश गोले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर इसका प्रतिबिंब कहां पर दिखाई देगा। और जो दूसरा प्रश्न है वो है, कांच के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायर का एक बुलबुला है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। नंबर फर्स्ट, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, नंबर सेकंड, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वह कितनी दूरी पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर दूसरे टाइप का जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है प्रश्न में। जैसे कहा जा सकता है यहाँ कहा गया कि निकट वाले प्रश्न और दूर वाले प्रश्न से देखने पर, तो यहीं पर यह कहा जा सकता है उत्तल प्रश्न और अवतल प्रश्न से देखने पर यह परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम होगा करने का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पहले टाइप का प्रश्न है उस पर हम यहाँ पर विचार करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। प्रश्न संख्या एक है, 0.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक निशान 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले जिसका अपवर्तनांक 1.5 है किस सतह पर बना है। तो सबसे पहले तो हम एक गोला बनाते हैं जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। ये गोला है और इस गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा प्रश्न में कि एक निशान 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले की सतह पर बना है। मान लेते हैं कि यह निशान यहां पर बना हुआ है और यह निशान एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस गोले का सेंटर यानी केंद्र CN, तो इस निशान से चलने वाले एक प्रकाश की किरण इस प्रश्न पर आपतित होगी, अर्थात दूर वाला प्रश्न आपका ये होगा, ये इसका ध्रुव कहलाएगा बिंदु P। कह रहा है दूर वाले प्रश्न से देखने पर इसका प्रतिबिंब कहां पर दिखाई देगा। तो देखिए ये निशान इसके एक सतह पर बना हुआ है और ये निशान एक वस्तु का आकार कर रहा है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रश्न पर आपतित होगी। और आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल वेधा माध्यम में जा रही, तो अपवर्तन का नियम आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां से देखिए सेंटर से हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं जो अभिलंब का काम करेगा, और प्रकाश की किरण सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो इस अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। और इस किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो बिंदु आई पर मिलती है जहां पर इस निशान O का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न के लिए निशान जो बिंदु O है अर्थात ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, U। ये आपकी दूरी क्या होगी, U, और इस प्रश्न से प्रतिबिंब I की दूरी क्या कहलाएगी, V। तो इस प्रश्न से प्रतिबिंब की दूरी आपकी हो गई V और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, R। इसका व्यास है 10 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R बराबर
5 सेंटीमीटर आधी, त्रिज्या व्यास की आधी होगी। अब ये देख रहे हैं बाईं ओर इस पृष्ठ के, तो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह पर पार्टी लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस, तो आर बराबर माइनस 5 सेंटीमीटर। और इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, इस पृष्ठ से देखा जा रहा है तो ये वस्तु का काम कर रहा है, तो वस्तु की दूरी यू बराबर कितनी हो गई, माइनस 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी भी आपको ज्ञात करना है, इसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, अर्थात y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा, तो ang की वैल्यू दे रखी 1.5। यहां पर देखिए अपवर्तन कांच से y में, इसके चारों ओर का माध्यम कौन सा होगा, एयर का, और ये माध्यम कौन सा है, ग्लास का। यहां पर अपवर्तन कांच से y में हो रहा है तो हमको यहां पर जरूरत होगी जी एन ए, यानी कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, और दिया प्रश्न में y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमको जी एन ए बराबर लिख सकते हैं 1/ang, तो 1/ang की वैल्यू है 1.5। दशमलव यहां से हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10/15, अर्थात वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो जी एन ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 2/3। आप समझ ले कि जी एन ए की वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि यहां पर अपवर्तन कांच से वाई में हो रहा है, इसलिए अपवर्तन कांच से वाई में होने के कारण हमको चाहिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जबकि प्रश्न दिया था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तन का सूत्र आप जानते हैं कि n/v - 1/u = n - 1/r। यहां पर n अपवर्तनांक है, तो देखिए अपवर्तन कांच से वायु में हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा gna - 1/r, n के प्लेस पर gna हो गया। अगर अपवर्तन y से कांच में हो रहा तो हो रहा होता तो हम लिख देते ang, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन कांच से y में हो रहा है इसलिए लिखेंगे gna, अर्थात कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। gna की वैल्यू है 2/3/v - 1/u, u का मान कितना है -10 = 2/3 - 1, r की वैल्यू -5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3v माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा +1/10, इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे तो -1/-15, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में तो -1/-15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 1/15, +1/10 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2/3v = 1/15 - 1/10। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो 2/3v = 150 एलसीएम ले लेंगे तो 150 एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा 10 - 15, तो 2/3v = -5/150, तो आ जाएगा -1/30। 3 से इसको काट देंगे तो 2/v = -1/10। 9y क्रॉस मल्टीप्लाई तो v = -20 सेंटीमीटर, अर्थात दूसरे दूर वाले प्रश्न से देखने पर ये निशान इस दूर वाले प्रश्न से देख रहे कितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा था v, तो v की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 20 सेंटीमीटर, अर्थात दूर वाले प्रश्न से यह निशान 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर y का एक बुलबुला है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। नंबर फर्स्ट बुलबुले के निकट वाले प्रश्न देखने पर, नंबर सेकेंड बुलबुले के दूर, बुलबुले से दूर वाले प्रश्न देखने पर वह कितनी दूरी पर दिखाई देगा,
तो पहला पार्ट है नंबर फर्स्ट, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से। तो ये देखिए बुलबुला है, ये इसका सेंटर है केंद्र। अब कह रहा है कि कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अर्थात ये त्रिज्या आर जो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर इधर वाले प्रश्न देखते हैं तो फिर बुलबुले के गोले की स्थिति यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तो ये निकट वाला पृष्ठ कहलाएगा। अगर इधर से देखते हैं तो यहाँ पर स्थिति लेनी पड़ेगी, तो ये निकट वाला पृष्ठ दिखाई देगा। तो यहाँ पर बिंदु O बुलबुले की स्थिति मान लेते हैं जो केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दूरी इसकी 2 सेंटीमीटर। दो सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इस निकट वाले पृष्ठ से बिंदु P से इसको देखा जा रहा है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर ऐसे आपतित होगी, और ये यहां पर केंद्र से अगर हम एक नॉर्मल डाट रहे हैं तो ये अभिलंबता यहां पर कार्य करेगा। तो आप जानते हैं प्रकाश की जब भी कोई किरण अपवर्तन में सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, ऐसे दूर हट जाती है। इस किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो इस वस्तु का, इस बुलबुले का प्रतिबिंब बिंदु आई पर हमको प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए प्रश्न में ए एन जी की वैल्यू दे रखी 1.5। यहां अपवर्तन सघन से विरल माध्यम में अगर हम मान लें कि ये कांच का प्रश्न है तो कांच से वाई में हो रहा है तो हमको चाहिए जी एन ए। जी एन ए इज इक्वल टू 1/ANG इज इक्वल टू 1.5। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2/3। हमको जी एन ए की आवश्यकता होगी इसके पहले वाले प्रश्न के कारण हम आपको स्पष्ट करा चुके हैं। यहाँ पर देखिए केंद्र से ओ की दूरी है 2 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या आर दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर। इस पृष्ठ से ये दूरियां दाई ओर है तो पॉजिटिव यू का मान कितना होगा, देखिए इस पृष्ठ से ओ की स्थिति प्राप्त करने के लिए केंद्र से बिंदु पी अर्थात पी से सी तक की दूरी में, P से C तक की दूरी में O से C तक की दूरी को अगर हम घटा देंगे तो P से O तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी, अर्थात U इज इक्वल टू PC माइनस OC। तो PC माइनस OC इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो U की वैल्यू हो गई 3। अपवर्तन का सूत्र आप जानते हैं N/B - 1/U इज इक्वल टू N - 1/R। अपवर्तन कांच से वाई में हो रहा है तो जी एन ए हो जाएगा, यहाँ पर कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तन तो जी एन ए की वैल्यू 2/3/B - 1/3 इज इक्वल टू 2/3 - 1/R की वैल्यू 5। को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3B - 1/3 इसमें एलसीएम ले लेंगे तो -1/15। -1/3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2/3B = -1/15 +1/3। तो 2/3B इज इक्वल टू इसमें 15 एलसीएम ले लेंगे तो -1 + 5 इज इक्वल टू 4/15। तो 2/3B इज इक्वल टू 4/15। 2 से इसको काट देंगे और 3 से इसको काट देंगे तो 1/B = 2×2=4 और 3×5=15, अर्थात B = 5/2, इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख रहे हैं कि B की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, इसका मतलब निकट वाले पृष्ठ के दूसरी ओर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और यहाँ फिगर में भी आप देख रहे हैं इस ओर की दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यह स्थिति हो गई नंबर फर्स्ट बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से। यहीं पर दूसरी स्थिति है बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से। ये पार्ट पहले आप नोट कर लें, इसके बाद सेकेंड पार्ट पर हम बात करते हैं। आया,
आ जाती है। दूर वाले प्रश्न से देखिए, बुलबुला है जिसका केंद्र सी है, बुलबुले की स्थिति ओ है, ये वक्रता त्रिज्या आर है और दूर वाला प्रश्न ये कहलाएगा। अब इस वाले प्रश्न से इसको देखा जाए तो यहां से प्रकाश की किरण एक आपतित होगी इस प्रश्न पर पड़ेगी, ये आपका नॉर्मल का कार्य करेगा, प्रकाश की किरण सघन से विलंब में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु आई पर इमेज प्राप्त हुआ। अब देखिए वस्तु की दूरी को पी से पी वो वस्तु की दूरी कहलाएगी, पी आई प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी और सी पी इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि U इज इक्वल टू पी सी प्लस ओ सी। पी सी का मान इसकी वक्रता त्रिज्या जानते हैं 5, ओ सी का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 7 सेंटीमीटर। लेकिन चिन्ह पर पार्टी लगाएंगे तो U बराबर -7 सेंटीमीटर, R बराबर -5 सेंटीमीटर, ANG 1.5, कैलकुलेट करेंगे तो जी एन ए की वैल्यू आएगी 2/3, 1/GNA इज इक्वल टू 1/1.5, कैलकुलेट करेंगे तो 2/3। फिर फार्मूला यूज करेंगे N/V − 1/U इज इक्वल टू N − 1/R। तो अपवर्तन सघन से विरल में अर्थात कांच से वायु में हो रहा, कांच का प्रश्न है इधर वायु में आपकी एयर है जो चारों ओर, ये जी एन ए जी एन ए माइनस वन अपॉन आर, तो 2/3/V − 1/U, यू की वैल्यू -7 इज इक्वल टू 2/3 − 1/R − 5। तो 2/3V + 1/7, 3 इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो -1/-15 अर्थात 1/50, 1/7 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2/3V = 1/50 − 1/7। इसमें हम एलसीएम लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/3V = 105 एलसीएम ले लेंगे तो 7 − 15 − 8/105, 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4, तो 1/3V = −4/105। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो −12V = 105, V = 105/−12। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 8.075 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। माइनस प्राप्त हो रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब इस पृष्ठ के सामने होगा जिस ओर वस्तु रखी जा रही है। तो इस प्रकार दोनों दो प्रकार के प्रश्न इस फार्मूले पर बनते हैं और दोनों प्रकार के प्रश्न हमने आपको इसमें समझा दिए हैं, बता दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लें, समझ लें और बुक से अपनी एक्सरसाइज को करें। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप में संपर्क करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं।